स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th अकाउंटेंसी के टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे के क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगी वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है। देखो, अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 62-68 सोल्व करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किए हैं, इजिएस्ट मैनर में एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 69। देखो, ये जो क्वेश्चन है 69, ये देखने में तो आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इज प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल्स वर रुपीज 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2022। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम For the year ended 31st March 2022, profit of ₹78,000 was distributed among the partners without providing for interest on capital. Pass the necessary adjusting entry and show the working clearly. देखो, ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने पढ़ा तो आपको बहुत इजी लगा होगा। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे और जो फर्म का लॉस है उसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बात तो ठीक है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया था, वो अब हम देंगे और जो भी लॉस होगा फर्म का वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि लास्ट ईयर फर्म का प्रॉफिट था ₹78,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को देना था, वो प्रणव को देना था ₹50,000, करण को ₹30,000, रहीम को ₹20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ड्यू टू पार्टनर इज ₹1 लाख एंड टोटल प्रॉफिट इज ₹78,000। जो पार्टनर को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसकी अमाउंट ज्यादा है और फर्म का प्रॉफिट कम है। तो यहाँ पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना फर्म में प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहाँ पर पार्टनर को जो अमाउंट क्रेडिट की जाएगी वो होगी उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो देखो, यहाँ पर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है 5:3:2। ये रेशियो है, 50,000 मिलने थे प्रणव को, करण को मिलने थे 30,000 और रहीम को 20,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या बन जाएगा? 5:3:2। इस रेशियो में 78,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रणव का शेयर क्या होगा? प्रणव को मिलेंगे 78,000 / 10 × 5, अमाउंट होगी ₹39,000। करण की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट क्या होगी? 78,000 / 10 × 3, ये अमाउंट होगी ₹23,400। रहीम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 78,000 / 10 × 2, अमाउंट होगी 15,600। देखो, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे, जो अमाउंट हम प्रणव को देंगे वो देंगे ₹39,000, करण को देंगे ₹23,400 और रहीम को देंगे ₹15,600। तो इन अमाउंट को हम टेबल में कैसे दिखाएंगे? टेबल में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिट।
क्योंकि ये अमाउंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। प्रणव के कॉलम में लिखेंगे रुपीज 39,000, करण के कॉलम में लिखेंगे रुपीज 23,400 और रहीम को मिलेगा रुपीज 15,600। टोटल अमाउंट होगी रुपीज 78,000। समझ में आया? देखो यहाँ पर जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो अमाउंट थी रुपीज 50,000, 30,000 और 20,000, लेकिन ये अमाउंट टोटल प्रॉफिट से ज्यादा थी। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट का टोटल करते हैं, प्लस करते हैं, तो तीनों पार्टनर की जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट निकलती है वो बनती है रुपीज 1,00,000, जो ज्यादा है रुपीज 78,000 से। तो हम पार्टनर को 1,00,000 की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अप टू रुपीज 78,000 तक। और 78,000 तक जो अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम करेंगे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो देखो प्रणव को मिले हैं रुपीज 39,000, करण को मिले हैं 23,400, रहीम को मिले हैं रुपीज 15,600 और इन तीनों का जब हम टोटल करते हैं तो बनते हैं रुपीज 78,000। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। बच्चे क्या करते हैं कि जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो जब प्रॉफिट ही 78,000 रुपीज है तो आप 1,00,000 की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का ट्विस्ट? अब देखो, अब जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो ये फर्म का लॉस हो रहा है। जो रुपीज 78,000 है ये क्या है? ये फर्म का लॉस है। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब हम पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड करते हैं तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डिविजन ऑफ लॉस और इसे हम करेंगे डेबिट, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स के बीच में जो ये फर्म का लॉस है 78,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2:1। 3:2:1 में हम डिवाइड करेंगे रुपीज 78,000 को। तो प्रणव का शेयर क्या होगा? प्रणव को मिलेंगे रुपीज 39,000, करण का शेयर होगा रुपीज 26,000, रहीम का शेयर होगा रुपीज 13,000 और टोटल आएगा रुपीज 78,000। समझ में आ गया? अब देखो, अब हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब आप डिफरेंस निकाले तो सबसे पहले आपको पार्टनर्स के अकाउंट को चेक करना है कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट बैलेंस। तो प्रणव के कैपिटल अकाउंट को आप चेक करो, देखो दोनों ही बैलेंस सेम है, 39 क्रेडिट है, 39 डेबिट है, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो निल आएगा। अब हम बात करते हैं करण की। करण का क्रेडिट बैलेंस 23,400 है और डेबिट है 26,000, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? करण का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ पर डेबिट लिख देंगे। देखो जो भी बैलेंस ज्यादा हो उसे आप लिख दिया करो, क्योंकि जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा रुपीज 2,600। अब हम रहीम के अकाउंट को चेक करते हैं। रहीम का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 15,600 और डेबिट है 13,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट, इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा रुपीज 2,600 और यहाँ पर डिफरेंस आएगा निल। समझ में आ गया? अब आप रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से को क्रेडिट। किसे आप डेबिट करेंगे? करण को आप डेबिट करेंगे और रहीम को क्रेडिट, अमाउंट इज रुपीज 2,600। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 2,600 टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी सेम रुपीज 2,600 बीइंग
एडजस्टमेंट एंट्री मेड। नरेशन जरूर लिखना और नरेशन जहां तक हो सके छोटी नरेशन लिखना, क्योंकि जब आप नरेशन को छोटी करके लिखते हैं तो उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 69 का, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये समझना है कि जब फर्म में प्रॉफिट कम होता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ही हम पार्टनर को अमाउंट अप्रोप्रिएट करते हैं। जब प्रॉफिट इनसफिशियंट होता है तो हम कभी भी पार्टनर को उस प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ले रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ P, Q and R stood in the books of the firm at rupees 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 5% had been omitted. Profit for the year ended 31st March 2023 was rupees 60,000 and partners drawing had been P rupees 10,000, Q rupees 7,500 and R rupees 4,500. Profit sharing ratio of P, Q and R is 3:2:1. Pass necessary adjustment entry. देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टनर्स को 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन वो ओमिट हो गया। लेकिन यहाँ पर पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस नहीं दे रखा। यहाँ पर आपको पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। देखो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो वो हमेशा पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर देते हैं, कभी भी पार्टनर के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखो किस तरह से आप ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप तीनों पार्टनर के नाम लिख देंगे पी क्यू आर। इसके बाद जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है उसकी अमाउंट तीनों पार्टनर्स के नाम के नीचे लिख देंगे। देखो पी का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कितना है, रुपीज 40,000, क्यू का है रुपीज 30,000 और आर का है रुपीज 20,000। अब देखो क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग की अमाउंट दी हुई है, तो जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया हो और क्वेश्चन में ड्रॉइंग की अमाउंट भी दी हो तो आप हमेशा ड्रॉइंग को ऐड कर देना। तो देखो ड्रॉइंग की अमाउंट तीनों पार्टनर की कितनी है, पी की है रुपीज 10,000, क्यू की है रुपीज 7,500 और आर की है रुपीज 4,500। अब देखो जो तीसरा आइटम आता है वो आता है प्रॉफिट। फर्म में जो प्रॉफिट दिया है वो है रुपीज 60,000। 60,000 को आप सबसे पहले 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखो जो P है उसका शेयर होगा रुपीज 30,000, Q का शेयर होगा रुपीज 20,000 और R का शेयर होगा रुपीज 10,000। प्रॉफिट की अमाउंट को आप क्या करेंगे, प्रॉफिट की अमाउंट को आप हमेशा क्लोजिंग कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस। जो भी प्रॉफिट की अमाउंट है उसे हम हमेशा जब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। देखो क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट और ड्रॉइंग की अमाउंट को आप ऐड करेंगे और जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसे आप माइनस कर देंगे। प्रॉफिट की अमाउंट के आप ब्रैकेट लगा लेना, इससे क्या है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो अमाउंट है ये डिडक्ट होनी है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा, पी का ओपनिंग कैपिटल आएगा रुपीज 20,000, क्यू का ओपनिंग कैपिटल आएगा रुपीज 17,500 और आर का ओपनिंग कैपिटल आएगा रुपीज 14,500। कैलकुलेशन करके देखो आपको यही अमाउंट मिलेगी, 20,000 ओपनिंग कैपिटल मिलेगा पी का, Q
क्यू का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा रुपीज 17,500 और आर का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा रुपीज 14,500। क्लियर। अब देखो जब आपको पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल मिल गया तो अब आप इस पर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा रुपीज 1000। क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा रुपीज 875 और आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा रुपीज 725। ये तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट होगी और इनका टोटल होगा रुपीज 2600। समझ में आ गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का ओमिट हो गया था लास्ट ईयर, तो अब हम क्या करेंगे कि पार्टनर को ये अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इजीली आप टेबल में दिखा पाएंगे इस अमाउंट को। कैसे लिखेंगे आप टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहां पर आप लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि इस अमाउंट को हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो पी के कॉलम में लिखेंगे रुपीज 1000, क्यू के कॉलम में 875, आर के कॉलम में रुपीज 725 और इन तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल के कॉलम में आएगा रुपीज 2600। अब देखो जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो फर्म को लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है रुपीज 2600 का। इस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा उसे डेबिट करते हैं, पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में उसे दिखाते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे लॉस को? डिविजन ऑफ लॉस, डिविजन ऑफ लॉस, और इसे हम करेंगे डेबिट। रेशियो क्या है? रेशियो होगा जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। यानी 2600 को हम 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो तीनों पार्टनर के लॉस की अमाउंट क्या होगी? पी के कॉलम में लॉस आएगा रुपीज 1300, क्यू का लॉस होगा 867 और आर का लॉस होगा 433। टोटल होगा 2600। कैलकुलेट करके देख लो आप 2600 को 3:2:1 के रेशियो में। पी के कॉलम में 1300 का लॉस आएगा, क्यू के कॉलम में 867 का और आर के कॉलम में 433 का। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। देखो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस चेक करना है। जो बैलेंस ज्यादा होता है उसे आप नीचे लिख देंगे। तो देखो पी का बैलेंस चेक करते हैं, क्रेडिट बैलेंस है 1000 और डेबिट है 1300, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? डेबिट बैलेंस। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा रुपीज 300। क्यू का बैलेंस चेक करते हैं, क्यू का क्रेडिट बैलेंस है 875 और डेबिट बैलेंस है 867, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो हम लिख देंगे क्रेडिट और डिफरेंस आएगा रुपीज 8। क्लियर। अब हम चेक करते हैं आर का बैलेंस। आर का क्रेडिट बैलेंस 725 है और डेबिट है 433, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है? यहाँ पर भी आर का क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा है और डिफरेंस जब निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 292 और यहाँ पर डिफरेंस होगा नील। अब आप रेक्टिफाइंग एंट्री इजिली पास कर लेंगे। किसे डेबिट करेंगे? डेबिट करेंगे पी को और क्रेडिट करेंगे क्यू और आर को। क्लियर। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट होगी रुपीज 300 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। यहाँ अमाउंट कितनी है? क्यू का जो डिफरेंस निकला है वो है रुपीज 8 टू आर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट होगी रुपीज 292। क्लियर। अब हम लिखते हैं नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
omitted, now rectified. Now rectified. ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 70 का. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. देखो हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई नया ट्विस्ट जरूर मिलेगा. इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स का फाइंड आउट करना है. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है? सबसे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, उसमें ड्रॉइंग की अमाउंट को आप ऐड कर देंगे और प्रॉफिट की अमाउंट को आप डिडक्ट कर देंगे, तो आपको मिलेगा पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस की अमाउंट पर ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे. ध्यान रखना, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे. अगर आपने किया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा. क्लियर? तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो अब तक मैंने क्वेश्चन नंबर 60 से 70 तक सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए हैं. अब मैं ले रही हूँ आगे का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71 इज मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग रुपीज 30,000, 25,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली. इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 रुपीज 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देयर ड्रॉइंग्स वर रुपीज 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल ड्यूरिंग द ईयर. सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ऑमिशंस वर नोटिस्ड एंड इट वॉज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मोहन रुपीज 250, विजय 200 एंड अनिल रुपीज 150. मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. जो पिछला क्वेश्चन था ये भी इसी तरह का था. मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस लिख देंगे, ड्रॉइंग की अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे और प्रॉफिट की अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे और आपको मिल जाएगा पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ओमिट हो गई. तो किस तरह से हम रेक्टिफाई करेंगे एरर को, किस तरह से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट चार्ज करेंगे. तो सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करते हैं. किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? आप वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तीनों पार्टनर के आप नाम लिखेंगे, मोहन, विजय और अनिल. इसके बाद आप क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट लिखेंगे, हर पार्टनर का कितना क्लोजिंग कैपिटल है उसके नाम के नीचे लिख देंगे. जैसे मोहन का क्लोजिंग कैपिटल है रुपीज 30,000, विजय का है 20,000 और अनिल का है 25,000. इसमें हम ड्रॉइंग की अमाउंट को ऐड कर देंगे. ड्रॉइंग मोहन ने की है रुपीज 5,000, विजय ने की है रुपीज 4,000 और अनिल ने की है रुपीज 3,000. तो 5,000, 4,000 और 3,000 हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे. अब देखो जो प्रॉफिट है उसे हम डिडक्ट करेंगे, उसे हम माइनस करेंगे. प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है रुपीज 24,000. ये क्वेश्चन में गिवन है. ये जो प्रॉफिट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तीनों पार्टनर्स के बीच में. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी अमाउंट आएगी? रुपीज 8,000 ईच. तीनों को 8,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो हम डिडक्ट कर देंगे. देखो जब आप डिडक्ट करते हो तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि इन आइटम्स को हमें डिडक्ट करना है. अब हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल
बैलेंस। अब देखो, हम पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट और ड्रॉइंग के अमाउंट को ऐड कर देंगे और जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसे हम डिडक्ट कर देंगे। तो मोहन का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कितना होगा, ₹27,000। विजय का ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, ₹21,000। और अनिल का ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, ₹15,000। ये तीनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से। तो देखो, मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, मोहन का होगा ₹2,700। विजय का कितना होगा, विजय का होगा ₹2,100। और अनिल का कितना होगा, अनिल का होगा ₹1,500। ये अमाउंट होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तीनों पार्टनर्स की। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, जब आपने तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट कर ली, तो अब हम इस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो टेबल में आप कैसे दिखाएंगे, टेबल में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसे आप क्रेडिट करेंगे। मोहन के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी, ₹2,700। विजय के कॉलम में ₹2,100 और अनिल के कॉलम में ₹1,500। और इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो आएगा ₹6,300। अब देखो, एक ओमिशन को तो हमने रेक्टिफाई कर दिया। पहला ओमिशन क्या था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो यहाँ पर हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दूसरा ओमिशन क्या था क्वेश्चन में, कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट चार्ज करना भी ओमिट हो गया, तो उसे भी हम रेक्टिफाई करेंगे। उसे हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो, ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करने के रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट चार्ज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये पार्टनर के लिए एक लॉस होता है। और जब भी पार्टनर के लिए कोई लॉस होता है तो उसे हम हमेशा उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो इसे आप लिखेंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी है, मोहन के कॉलम में अमाउंट आएगी ₹250, विजय के कॉलम में ₹200 और अनिल के कॉलम में ₹150, और तीनों का टोटल होगा ₹600। समझ में आ गया। अब देखो, ये जो 600 है, ये फर्म के लिए एक प्रॉफिट है। जो चीज पार्टनर के लिए लॉस होती है वो हमेशा फर्म के लिए एक प्रॉफिट होता है, और जो फर्म के लिए लॉस होता है वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है। क्लियर। अब देखो, दोनों ही ओमिशन हमने रेक्टिफाई कर दिए हैं। हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिट हो गया था वो क्रेडिट कर दिया है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए थे वो भी हमने चार्ज कर दिया है। अब हम निकालेंगे बैलेंस। तो देखो, बैलेंस में मोहन की अमाउंट आएगी ₹2,450। विजय का बैलेंस क्या होगा, विजय का बैलेंस होगा ₹1,900। अनिल का बैलेंस होगा ₹1,250। और इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो आएगा ₹5,700। क्लियर। अब देखो, ये एक्चुअल अमाउंट है जो पार्टनर्स को क्रेडिट होनी चाहिए थी। जब ये अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी तो फर्म को लॉस होगा ₹5,700 का। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब हम पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड करते हैं तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो हम किस तरह से पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे डिविजन ऑफ लॉस, डिविजन ऑफ लॉस, और इसे आप करेंगे डेबिट। देखो, क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो हम लॉस की अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉस का पार्टनर्स के बीच में। तो
तो जब हम 5700 को तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी रुपीज 1900 ईच। तो देखो मोहन का लॉस होगा रुपीज 1900, विजय का लॉस होगा रुपीज 1900 और अनिल का भी लॉस होगा रुपीज 1900 और टोटल अमाउंट आएगी रुपीज 5700। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। देखो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखी है कि सबसे पहले आपको पार्टनर्स के बैलेंस को चेक करना है कि उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। जो भी बैलेंस ज्यादा होता है उसे आप सबसे पहले नीचे लिख देंगे। तो देखो मोहन के बैलेंस को चेक करते हैं, मोहन का क्रेडिट बैलेंस है रुपीज 2450 और डेबिट बैलेंस है रुपीज 1900। तो मोहन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो आप पहले नीचे लिख देंगे क्रेडिट, फिर आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा रुपीज 550। विजय के तो दोनों ही बैलेंस इक्वल है तो यहाँ डिफरेंस आएगा निल। अब हम अनिल का बैलेंस चेक करते हैं, अनिल का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो हम डेबिट नीचे लिख देंगे और डिफरेंस आएगा रुपीज 550 और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो होगा निल। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत इजिली पास कर सकते हैं, आप मोहन को क्रेडिट करेंगे और अनिल को डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज रुपीज 550 टू, किसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे मोहन को, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज रुपीज 550 बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, ये होगी नरेशन। तो समझ में आ गया, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 71 का। देखो सारे क्वेश्चंस में आपको इजिएस्ट वे में इजिएस्ट मैनर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार दोबारा से देख लेना। इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। होपफुली जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आपको बहुत इजी लगता होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता होगा, फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।